दोस्तों, आपका स्वागत है चमत्कारी टोटके में। सबसे ज्यादा बुद्धिमान बच्चा किस महीने में पैदा होता है, आइए जानते हैं। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्रों की माने तो जन्म का समय व्यक्ति के बारे में बहुत कुछ बताता है। जन्म कुंडली को जन्म की तारीख और समय से बनाया जाता है। ज्योतिष शास्त्र में इस कुंडली को देखकर व्यक्ति के अच्छे बुरे कर्म, उसका भविष्य, उसकी मृत्यु के बारे में भी जानने की विधि बताई गई है। इसलिए ये बताना ज्योतिष शास्त्र के अनुसार बहुत ही आम बात है कि किस महीने में जन्मे बच्चे सबसे अधिक बुद्धिमान होते हैं। तो चलिए जानते हैं हमारे इस वीडियो में। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि नए नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। दोस्तों, आप ये तो जानते ही होंगे कि हमें अपने कर्म के अनुसार ही फल मिलता है। अगर कोई व्यक्ति अच्छे कर्म करता है तो उसे अच्छा फल मिलता है, और अगर बुरे कर्म करता है तो उसे बुरा फल मिलता है। साथ ही अच्छे और बुरे कर्म हमारे पिछले जन्मों से आते हैं। कई बार हम देखते हैं कोई बच्चा बहुत ही अमीर घर में जन्म लेता है, उसका जीवन सुख सुविधाओं से घिरा हुआ होता है। कोई बच्चा ऐसा होता है जो एक गरीब परिवार में जन्म लेता है, उसका जीवन दुखों से भरा हुआ होता है। छोटे से बच्चे ने कोई कर्म तो किए नहीं, फिर भी ये कैसे संभव कि एक बच्चे को सब कुछ अच्छा मिल रहा है और एक को बुरा। तो दोस्तों, हमारे पूर्व जन्मों के कर्मों से निर्धारित होता है। जिस बच्चे ने अमीर घर में जन्म लिया है, उसने अपने पिछले जन्म में कुछ ना कुछ अच्छे कर्म किए होंगे। वहीं जिस बच्चे ने गरीब घर में जन्म लिया है, उसने अपने पिछले जन्म में बुरे कर्म किए होंगे। इसी तरह कर्मों के अनुसार व्यक्ति को शरीर और बुद्धि भी प्राप्त होती है। कई लोग शरीर से बहुत स्वस्थ होते हैं, तो कुछ भी खा लेते हैं, पचा लेते हैं और कभी बीमार नहीं पड़ते। दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका शरीर स्वस्थ नहीं होता, दलिया के अलावा कुछ नहीं खा पाते, समय समय पर बीमार पड़ते रहते हैं। ये भी कर्मों के आधार पर होता है। जिन लोगों ने बहुत अधिक पुण्य किए होते हैं, उन्हें एक स्वस्थ शरीर प्राप्त होता है। जिसने पाप किए होते हैं, उसे अस्वस्थ शरीर प्राप्त होता है। वो बीमार पड़कर अपने बुरे कर्मों का फल भोगता है। इसी तरह जिन व्यक्तियों ने पुण्य किया होता है, उन्हें अच्छी बुद्धि मिलती है, जिसका इस्तेमाल करके वो अपनी उपलब्धियों को हासिल करते हैं, सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करते हैं। लेकिन जिन व्यक्तियों ने पाप किया होता है, उन्हें मंद बुद्धि प्राप्त होती है, जिसके चलते वो कभी सफल नहीं हो पाते, हमेशा अपयश का सामना करना पड़ता है। तो बात करते हैं जनवरी और फरवरी में जन्मे बच्चों के बारे में। ये बच्चे बहुत ही बुद्धिमान होते हैं, अपने आप पर यकीन रखते हैं और बचपन से अपने जीवन की डोर अपने हाथ में ले लेते हैं। स्वयं के मालिक होते हैं, जीवन में नई बुलंदियों को हासिल करते हैं। ऐसे बच्चों के माता पिता बहुत ही भाग्यशाली होते हैं, क्योंकि ऐसे बच्चे अपने माता पिता का नाम रोशन करते हैं। मार्च और अप्रैल में जन्मे बच्चे क्रोधी स्वभाव के होते हैं, बात बात पर गुस्सा करते हैं, अपने आप को सबसे ज्यादा श्रेष्ठ मानते हैं। ये अपने भाग्य को बनाने को सबसे ज्यादा इतना ज्यादा काम करते हैं कि कई बार नुकसान भी पहुंचा देते हैं। ये लोग बहुत शक्तिशाली होते हैं, अपने करियर को बनाने के लिए अन्याय का सहारा भी लेते हैं और इन्हें इस बात पर जरा भी अफसोस नहीं होता। मई और जून में बच्चे जो जन्मे होते हैं, वो भाग्यशाली नहीं होते। ऐसे बच्चे दिल के साफ होते हैं और दूसरों की सहायता करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इनका भाग्य इनका साथ नहीं देता। ये अक्सर लोगों के द्वारा दिए जाने वाले धोखे का शिकार होते हैं। व्यापार में इन्हें नुकसान उठाना पड़ता है। ये बच्चे अपना भविष्य स्वयं सुनिश्चित करते हैं, चाहे इसके लिए उन्हें धर्म के मार्ग पर चलना पड़े या अधर्म के। जुलाई और अगस्त के महीने में जन्मे बच्चे दयालु स्वभाव के होते हैं। ये बहुत ही भाग्यशाली होते हैं, दूसरों की सहायता करते हैं और माता पिता की सेवा करने में पीछे नहीं हटते। इस महीने में जन्मे लोग दूसरों की नज़र में महान बनने का प्रयास करते हैं और अक्सर इन्हें सफलता भी मिलती है। सितंबर और अक्टूबर में जन्मे बच्चे आस्तिक होते हैं, ईश्वर पर भरोसा रखते हैं, ईश्वर की भक्ति में विश्वास रखते हैं, ईश्वर को ज़्यादा समय देते हैं और अपने भाग्य को बनाने के लिए कभी छल कपट का सहारा नहीं लेते। हमेशा धर्म के मार्ग पर चलते हैं, परिवार का ख्याल रखते हैं। इन लोगों के जीवन में बहुत सी कठिनाइयाँ आती हैं, लेकिन ईश्वर की कृपा इन पर हमेशा बनी रहती है।
बहुत बुद्धिमान होते हैं। और अंत में है दोस्तों, नवंबर और दिसंबर में जन्मे बच्चे जो अपने विचारों में स्थित होते हैं, दूसरों की भावनाओं को समझ पाने में सक्षम होते हैं, अपने विचारों में स्थित होते हैं, ये अपने परिवार से अधिक देशभक्ति में समय बिताना पसंद करते हैं, दूसरों की मदद करने में इन्हें अच्छा लगता है। इनके जीवन में समस्याएं आती हैं लेकिन दूसरों की मदद करने के अपने स्वभाव के कारण ये बच जाते हैं। ये अपने माता पिता की सेवा करते हैं और उनके आशीर्वाद में विश्वास रखते हैं।